मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर के जिला मुख्यालय NH-28 के ठीक बगल में। और ये आप जो पीछे देख सकते हैं ये ड्राइवर हैं। 1 तारीख से ड्राइवरों ने हड़ताल किया है। और हड़ताल क्यों किया है, हिट एंड रन के केस में जो एक नया कानून बना है उस कानून का ये ड्राइवर जो है विरोध कर रहे हैं और इसके संशोधन को लेकर के बड़ी मांग कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका पक्ष क्या है। क्या है आप साहू? क्या है? क्या हम ड्राइवर हैं? ड्राइवर हैं हम, ड्राइवर हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से, आप हाथ जोड़ के विनम्र हैं कि ये जो कानून लगाए हैं काला कानून ये वापस ले लीजिए। कौन सा कानून लगाया? ये मतलब ड्राइवरों की 10 साल की जेल, 7 लाख रुपया, 300 रुपये कमाने वाला कहाँ से भरेगा 7 लाख रुपया और 10 साल जेल का? परिवार को कौन खिलाएगा? अमित शाह जी खिलाएंगे? अमित शाह जी खिलाएंगे? उससे अमित शाह जी के निवेदन है कि मतलब ये कानून वापस ले लें, हम ड्राइवर को जीने खाने दीजिए। ये कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कल से, आज से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली तारीख से हुआ था प्रदर्शन, मतलब आज से पूरा लागू हो गया है। क्या क्या इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें ये कर रहे हैं कि मतलब कि 10 साल की जेल हो गया और 7 लाख रुपया जुर्माना हो गया। ये बताइए, हम ड्राइवर भाई 200 रुपया कमाने वाला 7 लाख कहाँ भरेंगे? 10 साल जेल काटेंगे, परिवार को कौन चिल्लाएगा? क्या आप लोगों की बात कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर कि हमारे मांग पूरा हो। हम लोग 5 रुपया 10 रुपये पैसा सब देते, सवारी ढोलक हम लोग धोते हैं और जिंदाबाद। हम लोग के पास 7 लाख रुपया कहाँ से देंगे साहब? 10 लाख जेल, 10 साल जेल में कहाँ तक जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे करेंगे? हम पहले सही नियम था कि इसके पहले सही नियम था ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट होता था तो जमानत कितने दिन में? 24 घंटे के अंदर हो जाती थी जमानत, लाइसेंस दिखाना पड़ता था, 24 घंटे में बारी बारी जमानत हो जाती थी। अभी क्या इसमें क्या है? इसमें है कि ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए, ड्राइवर रुक जाता है तो उसको पब्लिक मार देती है, अगर वो भाग जाएगा तो बच जाएगा, इसके नियम में कोई बचेगा नहीं। 10 साल का जेल है, 7 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे हम लोग? आप लोग कह रहे हैं अगर रुकते हैं तो पब्लिक मार देगी, पब्लिक मार देती है, और नहीं रुकते हैं तो सरकार अपना सरकार कार्रवाई कर लेंगे। संशोधन चाहते हैं इस कानून में? ये कानून वापस कर ले अपनी, एक कानून को वापस कर ले, एक कानून को नहीं चाहिए। नहीं तो हम लोग ये काला कानून आप अमित शाह जी विनम्र है कि वापस ले लीजिए, और ये जो 10 साल की जेल है और 7 लाख जुर्माना है ये वापस ले लीजिए, जैसे पिछला नियम था, बिना वही नियम चाहिए और बिना लाइसेंस के। और ट्रैफिक विभाग से ये विनम्र चाहते हैं कि बिना लाइसेंस के किसी को गाड़ी में चलाने दीजिए। ये नियम किसके, किन किन ड्राइवरों के ऊपर लागू हो रहा है? हर ड्राइवर को, ट्रक वाले पे, हर ड्राइवर को लागू है ये। ये फार्चूनर मारुति पे नियम नहीं लागू हुआ है। ट्रक ड्राइवर, 2 पहिया 3 पहिया रिक्शा और ये 3 ऑटो व्हीलर पे लागू हुआ है। मारुति भी लागू करिए ये करना हो तो। और अमित शाह जी के विनम्र है कि ये जो पहले था 24 घंटे जमानत, ये बताइए ड्राइवर अगर अपने बच्चे की जनता की मार खाए, ये बता दीजिए, 7 लाख जुर्माना भरे, 10 साल जेल काटे, उसका परिवार कौन जिलाएगा खिलाएगा? ये आप लोग यहाँ पे सवारी कब से इंतजार कर रहे हैं? 1-2 घंटे हो गए, अभी तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक बस नहीं आया, ना ऑटो वाले जा रहे हैं। बाहर नहीं बस आ रही है? अब हम लोग को तो समस्या मालूम नहीं है, बताना तो चाहिए क्या क्या समस्या है। दिक्कत हम लोग को हो रही है ना, कि परेशानी रहो, इतना सुबह भी हम लोग परेशानी से आए हैं, 9:00 तक आए हैं, फिर हम लोग वहाँ से फिर खाली रबाद गोरखपुर से आए हैं, रुस्तमपुर से आए हम लोग। अच्छा, बस कब से नहीं चल रही है? सुनने में आया है कि 3 दिन अभी ये लोग करेंगे, कि 3 दिन के बाद ही बस चलेगा। अब क्या किया जाए, अब किसके साथ हम लोग जाएंगे, तो भगवान ही मालिक है ना। कुछ जानकारी क्यों नहीं आ रही है? कुछ जानकारी नहीं, नहीं इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं, अभी तो ये कुछ नहीं मालूम है। ये 10 साल का एक्सीडेंट होता है, 10 साल का जेल है और 7 लाख रुपया जुर्माना है। कोई बड़ी गाड़ी चला रहा है और बाइक वाला एक बैग आ गया, कहाँ से आदमी ब्रेक मारेगा? नहीं रुकेगी, लोड गाड़ी हो खाली गाड़ी हो नहीं रुकेगी, एक्सीडेंट हो ही जाएगा। कोई जान के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। और ये जो नियम लगाया हुआ, ये नियम को वापस ले ले बस, हम यही गुजारिश है हम लोग। क्या है इस नियम में और पहले नियम में क्या है? पहले का नियम सही था, 24 घंटे में ड्राइवर को बेल मिल जाती थी छुट्टी, अब है 10 साल जेल काटना पड़ेगा। हम 10 साल जेल नहीं काटने वाले हैं, जेल हो जाता इस कानून को वापस कर ले। हम लोग के पास अगर इतना पैसा हो तो कोई बिजनेस करते, हम लोग के पास पैसा नहीं है, 2-4 साल कमाने वाले हैं। 10 साल कब सजा मिलेगी, कब 5 साल मिलेगी?
दस साल का सजा ये है कि एक्सीडेंट करके आप अगर भाग गए हैं तो पकड़े जाने के बाद 10 साल की सजा है। तो अगर करा रहे हैं दवा उसकी तो सजा कम है। तो अगर हम रुक के दवा कराते हैं तो पब्लिक मुझे मारती है, हमें मार नहीं सहना चाहते हैं। अब इस कानून को वापस कर लिया जाए। अच्छा, उसमें ये प्रावधान नहीं है कि अगर आप दवा करा रहे हैं, आप दवा के लिए रुक रहे हैं, पब्लिक अगर कुछ कर रही है तो उस पे कोई नहीं है। एक्शन कोई लेता है? नहीं, कोई नहीं, पब्लिक मार देती, कोई एक्शन कुछ नहीं है, पब्लिक पहले ही मार देती हम लोग को। बिल्कुल, हम लोग अपनी जान। सत्य बात है जो आप भाई साहब कह रहे हैं, ये सत्य बात है कि पब्लिक के बीच में ड्राइवर कभी बोल नहीं पाता किसी का, चाहे वो कोई भी हो। पब्लिक तो मार के मूत कर देगा ड्राइवर का, ना सरकार साथ देता है ना कोई पब्लिक का। सत्य बात है भाई साहब, सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है कि बाल लोग अगर ड्राइवर को पब्लिक मार देती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई ले तो क्या, सरकार लेगी या जो पब्लिक मारी को लेगी? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। हम मारेंगे तो सरकार जिम्मेदारी लेकर के उनको कोर्ट भेजो जी, कचहरी भेजो, 10 लाख रुपए दे। अभी है कि सरकार को कानून खत्म होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। हम ड्राइवर हैं, वापस लिया जाए। ड्राइवर है साहब, मगर इसका नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट सरासर गलत कर रही है इसके लिए। कोई जवाब नहीं हम लोगों के, हम चाहते हैं सरकार क्या कहेंगी। सर, ये काला कानून वापस लिया जाए, ये ड्राइवरों के खिलाफ वापस लिया जाए या कुछ उसमें संशोधन किया जाए? कुछ नहीं, इसको वापस लिया जाए, एकदम तत्काल वापस लिया जाए। संशोधन इसमें क्या करेंगे? इसको वापस लिया जाए, ये सरासर ड्राइवरों जिम्मेदार नहीं होगा। अगर दारू चलेगा तो ड्राइवर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पी करके आके समन्वय लौट जाते हैं, पी करके ढिमला जाएंगे तो उसके जिम्मेदार ड्राइवर है? ड्राइवर भी बहुत से लोग होते हैं जो दारू पीते हैं, तो उनको भी मना कीजिए। वो अगर पिए हो तो उनको भी बंद करवाइए, उनको भी कानून कार्रवाई कीजिए, चेक किया जाए तो अच्छी बात है। जो ड्राइवर अगर पी खा के ऐसा कर्म करे, उसकी जांच हो, वह किया तो सर अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करे करे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये सरकार ने जो कानून बनाया है ये सरासर बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है। और ये ड्राइवर जो दो पैसा कमाने के लिए सबकी गाड़ी चलाते हैं, और मैं भी ट्रक मालिक हूँ, हमारा गाड़ी एक हफ्ते से गाड़ी हमने बंगाल में खड़ी किया है, और ये जो नियम लगाए हैं बहुत ही गलत है। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि अपने नियम को बदले। इस नियम में क्या संशोधन होना चाहिए? इस नियम में संशोधन होना चाहिए, अगर इस तरह का कोई घटना घटता है तो जो दवा दर्पण का पैसा लगे अगले को वो मुआवजा कराया जाए, बस यही। और जो कानून प्रक्रिया है वो कानून से, जैसे पहले और अब में क्या अंतर आया, मुख्य जो अंतर आया? मुख्य अंतर यही आया है कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी छोड़ के अगर ड्राइवर भग जाता है तो सज़ा उसको 10 लाख रुपए, 10 साल की सज़ा। और ड्राइवर अपना जान बचाने के चक्कर में पब्लिक वहाँ इकट्ठा होकर ड्राइवर को बहुत मारती है, और पता चलता है कि ड्राइवर अधमरा हो जाता है। और अगर ड्राइवर के पास जितना सारा पैसा होता तो किसी की गाड़ी नहीं चलाता, वो अपनी गाड़ी खुद खरीदता, खुद तो अपना गाड़ी चलवाता। और ये गरीब आदमी परेशान है इससे, ड्राइवर गरीब होता है तब तो किसी की गाड़ी चलाता है। और हम ये सरकार से दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे कि अपने नियम को बदले, और नहीं तो ये जो आतताई सरकार है। नियम में क्या बदलाव होना चाहिए जो आप लोग इस ये जो कानून बनाए हैं, इस कानून को बदले, बस यही है। एक समान सबको कानून प्रक्रिया सबके साथ एक समान हो, क्या